हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि व्हाट्सएप की कुछ सेटिंग्स होती हैं जो मेरे लिए, आपके लिए और सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फ्रॉम सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू और फ्रॉम प्राइवेसी पॉइंट ऑफ व्यू। तो मैं आपको चारों सेटिंग्स के बारे में बताऊँगा जो हमें यूज़ करनी ही चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ फिंगरप्रिंट। इसके लिए हम व्हाट्सएप ओपन कर लेंगे। व्हाट्सएप के बाद सेटिंग्स में जाएंगे, सेटिंग्स के बाद हम अकाउंट पे जाएंगे और प्राइवेसी पे जाएंगे। सबसे नीचे आप देखेंगे फिंगरप्रिंट लॉक, ठीक है। अगर मैं इसको इनेबल कर दूंगा तो ये मेरे से बोलेगा मैं इसे इनेबल कर देता हूँ, और इनेबल करने के बाद मैं अपने सेंसर को टच करूँगा, मुझे अपना फिंगरप्रिंट देना पड़ेगा, ठीक है। तो अब ये पूछ रहा है कि फ़ोन को इमीडिएट लॉक कर दें या एक मिनट बाद या 30 मिनट्स बाद। तो मैं इसको इमीडिएट पे करके ऐप से बाहर आ जाता हूँ और अपने फ़ोन को एक बार लॉक कर देता हूँ, ठीक है। अनलॉक करते वापस व्हाट्सएप पे जाते हैं। जैसे मैं व्हाट्सएप ऑन करूँगा तो मुझसे फिंगरप्रिंट मांगेगा, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि आपके व्हाट्सएप पे एक एडिशनल लॉक लग गया। एक तो आपके फ़ोन में लॉक होता है, बट ये आपका स्पेसिफिकली व्हाट्सएप के ऊपर लॉक है, ठीक है। मैं यहाँ पे अपना इनपुट दे देता हूँ और मेरा व्हाट्सएप अनलॉक हो गया, ठीक है। मैं इसे अभी डिसेबल कर देता हूँ। तो ये एक हमारा फीचर है। दूसरा हमारा फीचर क्या है, टू स्टेप वेरिफिकेशन, ठीक है। वो क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। वापस दोबारा सेटिंग्स पे जाते हैं, अकाउंट में जाते हैं और टू स्टेप वेरिफिकेशन। ये क्या चीज़ होती है, इनकेस आपका फ़ोन खो जाता है या आपका फ़ोन चोरी हो जाता है, तो नेक्स्ट टाइम जब आप अपने फ़ोन को इंस्टॉल करेंगे तो वो आपसे इंस्टॉल करते टाइम ये 6 डिजिट का पिन कोड मांगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप जो भी पिन कोड देंगे वो एज अ पिन सेव हो जाएगा आपके नंबर पे व्हाट्सएप में, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप अपने फ़ोन को इंस्टॉल करेंगे तो वो आपसे पिन नंबर मांगेगा, और जैसे आप अपना पिन कोड देंगे तो वो मैच करेगा कि जो लास्ट में आपने टू स्टेप वेरिफिकेशन के टाइम पे पिन दिया था ये सही है, तो ही आपको इंस्टॉल करने देगा, अदरवाइज नहीं करने देगा। तो ये भी एक इसका बहुत इम्पॉर्टेंट फीचर है, ठीक है। अब मैं वापस आता हूँ, तीसरा मैं आपको बताता हूँ। वापस प्राइवेसी में जाते हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि आपको कोई मैसेज करे और आप उसे रीड करने के बाद उसको ये नहीं पता लगे कि आपने वो मैसेज रीड किया है या नहीं किया, ठीक है। रीड करने के बाद आपने देखा होगा कि नॉर्मली क्या होता है कि उसके नीचे 2 ब्लू टिक लग जाते हैं, इट मीन्स कि वो मैसेज रीड हो चुका है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, ये जो रीड रिसिप्ट है ना, इसके साइड में जो बटन है इसको डिसेबल करना है। मैंने इसके ऊपर क्लिक कर दिया, तो आप देख रहे हैं ये मेरा डिसेबल हो गया। अब मुझे कोई भी मैसेज करेगा और मैं उसका मैसेज रीड कर लूंगा तो वो जो 2 ब्लू टिक लगते हैं वो नहीं लगेंगे, इट मीन्स किसी को पता नहीं लगेगा कि मैंने मैसेज रीड किया या नहीं किया। सेम वे मैं किसी को मैसेज करूंगा तो मुझे मेरे मैसेज भी पता नहीं लगेंगे कि किसी ने वो रीड किए या नहीं किए, ठीक है। तो मैं अभी वापस इसे इनेबल कर देता हूं। ये मेरी सेटिंग इनेबल हो चुकी है, ठीक है। सबसे लास्ट में मैं आपको बताता हूं कि वापस प्राइवेसी में जाते हैं। अब आप यहां पे देख रहे हैं कि लास्ट सीन क्या है, ठीक है। ये क्या होता है कि अगर आप इसको एवरीवन कर देंगे या माई कॉन्टेक्ट कर देंगे तो जब भी आप अपने फ़ोन को यूज़ करने के बाद रखेंगे तो आपका जो लास्ट यूज़ टाइम होता है ये वो डिस्प्ले करने लग जाता है आपकी प्रोफाइल के नीचे, ठीक है। तो आप इसको यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। इसके बाद आपका प्रोफाइल फ़ोटो, कि आपका प्रोफाइल फ़ोटो कौन कौन देख सकता है, माई कॉन्टेक्ट मतलब कि आपके जो फ़ोन नंबर्स आपके फ़ोन में सेव हैं वो लोग देख सकते हैं। नोबडी करेंगे तो किसी को भी नहीं डिस्प्ले होगा, और अगर एवरीवन करेंगे तो कोई भी आपके फोटो को देख सकता है, आपकी डीपी को। सेम आपका अबाउट अस जो होता है उसको कौन कौन देख सकता है, ठीक है। और स्टेटस, स्टेटस में भी सेम चीज़ है कि आपके कॉन्टैक्ट देख सकते हैं। और अगर आपको कॉन्टैक्ट में भी ये करना है कि भाई मेरे जितने भी फ़ोन में कॉन्टैक्ट्स हैं उनमें से भी कौन कौन देख सकते हैं, तो वो भी आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं बैक जाता हूँ, और शेयर करना चाहे तो अपने किसी के भी साथ शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ हमारी प्राइवेसी सेटिंग्स होती हैं। प्राइवेसी सेटिंग्स हमें अपने अकॉर्डिंग रखनी चाहिए, क्योंकि ये
व्हाट्सएप की पॉलिसी भी कहती है कि आपको सारी चीज़ें विजिबल नहीं रखनी चाहिए, बट अगर आप चाहते तो आप रख भी सकते हैं, बट अगर आप चाहें तो ये सारी प्राइवेसी सेटिंग्स जो मैंने आपको इस वीडियो में बताई आप उनको अप्लाई भी कर सकते हैं, जिससे आपकी ही सेफ्टी और सिक्योरिटी इंक्रीज होती है। आज के वीडियो में इतना ही, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आपको वीडियो यूजफुल लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।